आज 21 अक्टूबर 2022 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 21 अक्टूबर 2022 एंड इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। शुक्रिया बाबा, आज शुक्रवार है और हमको आपने इतना श्रेष्ठ हीरो एक्टर बना दिया। शुक्रिया बाबा। कितने भाग्यवान है बाबा के बच्चे। अगर दुनिया में आप किसी को कहो कि भगवान ऐसे लोगों से मिलने आता है जो विश्व में सबसे महान है, भगवान भी उनकी राह देखता रहता है, और भगवान सर्वशक्तिवान जो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है, वो ऐसे अपने बच्चों को जी हजूर कहता है, मालेकम सलाम कहता है। कितने भाग्यवान होंगे ऐसे बच्चे। कल भी मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे तुम डबल मालिक बनते हो, मैं तो केवल ब्रह्मांड का मालिक हूँ लेकिन तुम साकार सृष्टि के भी मालिक बनते हो। मैं साकार सृष्टि का मालिक नहीं बनता, मैं तुम बच्चों को मालिक बनाकर मैं वानप्रस्थ में चले जाता हूँ। तो हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमारे ऊपर भगवान की नज़र पड़ी। तो अपने भाग्य के बारे में सोचें कि हमारा कल्प कल्प का भाग्य नून हो चुका है, क्योंकि हम भगवान की चॉइस है अपने को नशे में लेकर जाए। आज यही बात पूरी मुरली में आई है। लोग भगवान के पास जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा घर सिख चर्चेस में जाते हैं और कहते हैं परमात्मा से कि हमारे ऊपर दया करो या कृपा करो। तो ये दोनों शब्द बहुत सुंदर है, दया और कृपा। जितने भी संस्कृत के शब्द हैं, जितना जितना आप उनकी गहराई में जाओगे, बहुत सारे राज आपको पता चलते जाएंगे। तो भगवान किसके ऊपर दया करता है? जो उसको याद करते हैं। दया का उल्टा याद होता है। तो बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा है कि जितना आप मुझे याद करोगे तो याद से याद मिलती है, याद से याद मिलती है। तो अपने आप आपके ऊपर ब्लेसिंग हो जाएगी, कृपा हो जाएगी। आज ये प्रश्न बाबा ने पूछा है कि बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं कि व्हेन प्रेयर्स गो अप ब्लेसिंग्स कम्स डाउन, ऐसे अंग्रेजी में कहावत है कि जब प्रार्थना ऊपर जाती है तब आशीर्वाद नीचे आता है। तो बाबा ने ऐसी क्या ब्लेसिंग की है जो भक्ति मार्ग में मानते हैं कि भगवान की कृपा हो तो सब ठीक हो जाएगा। और भक्त तो होते हैं, वो समझते हैं कि भगवान को कुछ देंगे तो वो खुश हो जाएगा। तो भक्ति मार्ग में हमने देखा है, हमने भी किया होगा कि भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं मंदिर में या और भी जगह पर, जितने भी प्रार्थना स्थल है वहाँ पर चढ़ावा देते हैं और सोचते हैं कि भगवान इससे खुश होगा। जिसको दान पुण्य कहा गया है तो दान पुण्य से भगवान खुश होगा, इसे समझते हैं।
और आज हमारे पास सत्य ज्ञान है जो बाबा ने हमको दिया है कि भगवान क्या सोचता है और दुनिया क्या सोचती है। बहुत अच्छी टॉपिक हो सकती है कि दुनिया क्या सोचती है और भगवान क्या सोचता है। वैसे भी कहावत है, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, दोनों में फर्क है। गति सदगति तुम्हारी तुम जानो, ऐसे भी भक्ति मार्ग में कहते हैं। तो भगवान क्या सोचता है, तो कृपा शब्द का अर्थ किसी ने बताया कि कृपा माना कर और पा, कर पा माना कृपा, जो करेगा वो पाएगा। तो अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है, मांगना नहीं है कि कृपा करो। ये पूरी सृष्टि कुछ अनादि नियमों से चलती है, उसमें ये एक नियम है कि आपको मांगने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं यू गेट वॉट यू डिजर्व एंड नॉट वॉट यू डिजायर। दो शब्द है, डिजायर और डिजर्व। तो डिजायर माना इच्छा, आपकी जो इच्छा है वो आपको नहीं मिलता है, लेकिन जो आप पात्र है जिसके लिए, वो आपको अपने आप मिलता है। इस समय लौकिक दुनिया में एक किताब बहुत फेमस हुआ, सीक्रेट करके, आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, रोंडा बायन का सीक्रेट, रहस्य। इसकी अनेक भाषा में संस्करण निकले हुए हैं, हिंदी में भी ये किताब अवेलेबल है। उसमें एक अनादि नियम के बारे में बताया हुआ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का सिद्धांत। तो उसमें तीन स्टेप बताई हुई है, वो तीन स्टेप को आप ABR कह सकते हैं। हम जब मधुबन जाते हैं तो रेलवे का टिकट निकालते हैं तो उसका शॉर्ट फॉर्म ABR आता है, आबू रोड। तो आबू रोड ध्यान में रखेंगे तो ये तीन स्टेप आपको याद रह जाएंगे। ये मेमोरी नेमोनिक्स कहते हैं हम, जिसको मेमोरी याद करना है। तो ABR का फुल फॉर्म क्या है, ए फॉर आस्क, आस्क फॉर इट, बी फॉर बिलीव इन इट, एंड आर फॉर रिसीव इट। तो कुछ आत्माओं में इतनी जबरदस्त शक्ति होती है, बाबा ने मुरली में कहा हुआ है कि जब आप पात्र बन जाओगे या जब आप संपूर्ण अवस्था में रहोगे, तब प्रकृति आपकी दासी बन जाती है, मांगना नहीं पड़ता है। हमारी संपूर्ण अवस्था में केवल प्रकृति के पांच तत्व ही नहीं, लेकिन माया भी हमारी दासी बन जाती है। बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चे तुम मास्टर भगवान बन जाओ तो माया भी आपका भक्त बनेगी, और पहला हार माया आपको पहनाएगी। तो माया भी हार पहनाती है ऐसे बच्चों को जिन्होंने प्रकृति को जीत लिया है, विकारों को जीत लिया है, जो मास्टर भगवान बने हैं। तो ये बात कहाँ से आई कि भक्ति मार्ग में लोग चाहते हैं कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रहे, और कहते हैं कि शनि राहु केतु की वक्र दृष्टि नहीं रहे। तो कृपा दृष्टि अगर सद्गुरु की है तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और भगवान क्या कहता है, बच्चे अपने ऊपर आपे ही कृपा करो, मैं तुम्हें नॉलेजफुल बनाता हूँ, यही मेरी ब्लेसिंग है। बाबा की ब्लेसिंग माना चार पेज की मुरली है, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। मुझे परमात्मा की एक महिमा बहुत अच्छी लगती है, उसका नाम है भाग्य विधाता। भाग्य का विधान करता है वो, चलना नहीं चलना हमारे हाथ में है, चलना नहीं चलना हमारे हाथ में है। जो चलता है भगवान की श्रीमत पर उसको मार्क्स मिलते हैं, जो नहीं चलता है उसको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो भस्मासुर बनते हैं कुछ बाबा के बच्चे, क्यों, क्योंकि आसुरी मत पर चलते हैं, उसे ही कहा भस्मासुर। वो कहानी भस्मासुर की है कि वो जिसके ऊपर हाथ रखता था वो भस्म हो जाता था, देवताएं परेशान। तो मोहिनी रूप लिया विष्णु ने और उस रूप में डांस करने लगी मोहिनी,
और ये असुर भी उसके जैसा डांस करने लगा। आखिर में समय देखकर मोहिनी ने अपने सिर के ऊपर हाथ रखा तो इस भस्मासुर ने भी अपने सिर के ऊपर हाथ रखा और वो भस्म हो गया। ऐसे कहानी है। अभी मोहिनी कोई स्त्री नहीं है, हालांकि आज की मुरली में बाबा ने सन्यासियों की बात कही हुई है कि सन्यासी कहते हैं कि स्त्री नरक का द्वार है, क्योंकि उनके पास ज्ञान की तलवार नहीं है तो उनको दूर ही रहना है। बहुत सारे सन्यासी हैं जो स्त्री का दर्शन नहीं करते, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर देखा और वृत्ति चंचल हुई तो पवित्रता समाप्त हो जाएगी। बाबा ने कहा, ऐसा नहीं है। जब आपका ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, जिसको हम कल देखने वाले हैं चक्रा हीलिंग के क्लास में, कल अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को सेंटर के अनुभूति रिट्रीट सेंटर द्वारा चक्रा हीलिंग की सीरीज थी, जो बीच में हम सेवा की वजह से कर नहीं पाए, इंट्रोडक्टरी सेशन हो चुका था। तो कल पहला सत्र है मूलाधार चक्र के ऊपर, तो उसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण होता है, और जो योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो अपनी ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर उठाते हैं। अभी बहुत सिंपल है ये। बाबा ने कहा ज्ञान तलवार, और योगियों की भाषा में वो कहते हैं ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण। तो योगियों को भी पता है ऊर्जा कहाँ जाती है, तो ऊर्जा या तो वेस्ट की जा सकती है, व्यर्थ में चली जाती है, या नए जीवन का निर्माण होता है, या उसको ऊपर उठाया जा सकता है। 99% लोग ऊर्जा को नीचे की तरफ धकेलते हैं, जिसको बाबा ने कहा बॉडी कॉन्शियसनेस। और योगी लोग होते हैं, तपस्वी लोग होते हैं, वो इस ऊर्जा को ऊपर की तरफ ढकेलते हैं अलग अलग योगी क्रियाओं के द्वारा, तो वो अपनी पवित्रता को मेंटेन कर पाते हैं। तो बाबा ने यही बात हमसे कही है कि बच्चे, ब्लेसिंग मत मांगो, मैंने तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी ब्लेसिंग कर दी है। मेरी ब्लेसिंग मना, मेरी मुरली है, क्योंकि मुरली में मैंने सभी राज खोले हुए हैं। मैं राजयोग की पढ़ाई देकर तुमको राजा का राजा बनाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ, और मेरे सिवा ऐसी ब्लेसिंग कोई कर नहीं सकता। इसलिए बहुत, बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किया अपार, जिसका पार नहीं है, ऐसे खुशी में रहना चाहिए कि स्वयं भगवान मेरे लिए इस धरती पर आया है। बाबा ने उदाहरण दिया कि लौकिक माँ बाप जब दूर देश में जाते हैं तो आते समय अपने बच्चों के लिए सौगात लेकर आते हैं, फॉरेन के चॉकलेट्स लाते हैं, खिलौने लाते हैं जापान के, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के लिए लेकर आते हैं। तो हमारा बाबा अनादि पिता शिव बाबा भी हमारे लिए सर्वोच्च सौगात लेकर आया, वो है वशिष्ठ या स्वर। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मैं चिंतन कर रहा था कि सभी प्रमुख धर्मों में इसका वर्णन है, एक्सेप्ट बुद्ध धर्म। जैसे मुस्लिम लोग कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, और मज़े की बात यह है कि टेररिस्ट भी समझते हैं कि हम अल्लाह का काम कर रहे हैं, दूसरों को मार कर, और हमें जन्नत मिलेगी, यही उनकी प्रोग्रामिंग होती है कि जन्नत में जाने के लिए सब करते हैं। ये भी वंडरफुल है। क्रिश्चियनिटी में भी कहा गया है कि फादर ऑफ हेवन, हेवनली गॉड फादर कहते हैं, और भारत में तो स्वर्ग की बात ही हुई है, मरने के बाद भी कहते हैं वो स्वर्ग गया, भले गया नहीं गया कोई चेकिंग नहीं है, लेकिन कहते हैं। तो स्वर्ग हो, हेवन हो या जन्नत हो, ये सभी प्रमुख धर्मों में बताया हुआ है। तो ऐसी सौगात भगवान खुद लेकर आता है, और ये क्यों यादगार बना है, क्योंकि इस समय हमने शिव बाबा से ये जन्नत की सौगात या बहिष्ट की सौगात ली है बाबा से। और हम भाग्यवान क्यों है, क्योंकि भगवान हमारे सामने है, हाजिर नाजिर। यह हाजिर और नाजिर शब्द भी बहुत सुंदर है, खूबसूरत है।
हाजिर माना हजर है और नाजिर माना नजर से देख सकते हैं उसको। आप सबने मम्मा की कहानी पढ़ी होगी, कोर्ट में मम्मा को कहा गया कि आप कसम खाओ कि भगवान को हाजिर नाजिर देखकर मैं कसम खाती हूँ कि जो भी कहूँगी सच कहूँगी, और मम्मा ने वो कसम खाने से इनकार कर दिया। ये बहुत बड़ी शक्ति का स्वरूप है। जज आपको कसम दिला रहे और मना कर रहे हैं आप, क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि मैं भगवान को देख नहीं सकती, इस समय नहीं है। तो ये मम्मा की पावर थी और आखिर उनको झुकना पड़ा। लेकिन आज बाबा ने जो कहा है कि हम बच्चों के लिए भगवान नाजिर है, हमारे सामने है, दुनिया वालों के लिए नहीं है। तो कितने भाग्यवान हैं थोड़े से बच्चे पूरे विश्व में, जिसको बाबा कहता है कोटों में कोई और कोई में भी कोई, हम बाबा के बच्चे हैं जो हमको नज़र से निहाल करता है। शिव बाबा नज़र से निहाल किंदा स्वामी सदगुरु, ऐसे कहावत है। तो बाबा की नज़र हमारे ऊपर पड़ी है, बाबा ने हमको ज्ञान में लाया, ये भी बात बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बहुत ढूंढे बाबा को लेकिन बाबा हमको नहीं मिला, लेकिन बाप ने हमको ढूंढ लिया। कोने कोने में पड़े हैं, कहाँ अमेरिका लंदन है, कहाँ ऑस्ट्रेलिया है, तो कहाँ अरब कंट्री है, तो हर कोने कोने से गांव गांव में बाबा के बच्चे हैं, वहाँ से ढूंढ रहे हैं। अभी मैं अरुणाचल देखा, कहाँ ट्राइब्स, क्या उनका जीवन है, क्या खा रहे पी रहे हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मगध देश जिसको कहा गया, मुझे तो लगता है एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए पूरी अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। वहाँ पे मुझे एक चिड़िया दिखाई नहीं दी, हालांकि इतना घना जंगल है, 100-100 फीट के लंबे पेड़ है, लेकिन एक चिड़िया नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों के पास एयर गन दी हुई है उनको अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि पहले वहाँ जानवर होते थे। अभी क्या करते हैं कि वो चिड़िया को मार के खाते हैं। आप नागालैंड में जाओ तो वहाँ कुत्ते नहीं दिखेंगे, क्योंकि कुत्तों को मार के खाते हैं। तो ऐसे ये ट्राइब्स है, और ऐसे गए हुए बाबा के बच्चे देवताए यहाँ पर भी पहुँच गए, और वहाँ से बाबा के बच्चे ज्ञान में चल पड़े, ये बहुत बड़ी बात है। तो कोने कोने से बाबा ने अपने बच्चों को ढूंढ के निकाला है, हम नहीं ढूंढ पाए। भगवान की नज़र अब हमारे ऊपर पड़ी, तो हम कितने भाग्यवान हैं कि वो नॉलेजफुल ब्लिसफुल बाप हमको ये नॉलेज दे रहे हैं, यही उसकी कृपा है। अभी उस नॉलेज के बाद हम करते क्या है, उसके ऊपर पूरा खेल है। लोग कहते हैं नॉलेज इज पावर, हम कहते हैं नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। नॉलेज को अप्लाई करना है जीवन में। जैसे दवाई मिली आपको, लेकिन दवाई खानी पड़ती है ना, खाना भी हजम करेंगे तब उसका ताकत बनेगा। ऐसे ही नॉलेज हमको मिली है, लेकिन क्या वो नॉलेज के आधार पर हम हर सेकेंड हर परिस्थिति में विजय प्राप्त कर पाते हैं, वो प्रश्न है। तो नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। बहुत सारे बाबा के बच्चे मुझे फोन करते हैं, मैसेज भेजते हैं कि हमको समझ में आ गया है, हमको ये समझ में आ गया कि संगम युग है, हमको ये भी समझ में आ गया कि अंतिम जन्म है, हमको ये भी समझ में आ गया कि अब नहीं तो कब नहीं, हमको ये भी समझ में आ गया कि अभी पूरे कल्प का पार्ट नूंद हो रहा है, सर्वश्रेष्ठ कमाई का समय है, सब हमको समझ में आ गया। लेकिन फिर भी, या लेकिन शब्द फिर भी आ जाता है कि हमसे होता नहीं है, अभी बाबा क्या करेगा। तो केवल नॉलेजफुल होने से नहीं चलता है, नॉलेजफुल के साथ पावरफुल होना भी बहुत जरूरी है। कल हमने देखा विल और पावर, विल है पर पावर नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड वेयर देयर इज नो विल देयर इज अ हिल। ऐसे अंग्रेजी में कहावत है कि जहाँ इच्छा है वहाँ मार्ग है, और जहाँ इच्छा नहीं है वहाँ पहाड़ खड़ा है। तो बाबा ने हमको नॉलेज दी है, बस इस नॉलेज को चिंतन में लाओ। आज बाबा ने फिर से स्वदर्शन चक्र की बात लाई है, मैंने आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है स्वदर्शन चक्र, कि मही आत्मा परम धाम में सबसे चमकीली अन्य आत्माओं से, मही आत्मा
जो सतयुग में देवता धर्म में थी, मैं हूँ जो फिर क्षत्रिय बनी, मैं हूँ फिर जो वैश्य बनी, और मैं हूँ जो अंत में शूद्र बनी, और मैं ही शूद्र से फिर से ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ कुलभूषण हीरो पाठधारी बन रहे हो, तो मैं ही यह आत्मा हूँ जो पूरे कल्प में पाठ बजाने वाले, पूरे 84 जन्म लेने वाली मैं ही वो आत्मा हूँ। इतना सुंदर अगर स्वदर्शन चक्र घुमाए तो माया खत्म हो जाएगी, माया का गला कट जाएगा। आज बाबा ने फिर से वैराग्य दिलाने की कोशिश की कि बच्चे यहाँ के शरीर कीड़ों से भरा हुआ है, और बाबा ऐसे कीड़ों को उठाकर भ्रमरी बनाते हैं। यहाँ के शरीर तो कीटाणुओं से भरे हुए रोगी है, और वहाँ के शरीर कितने सुंदर है, मंदिर में भी बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं। तो इस समय के शरीर और उन शरीरों में 5000 वर्ष की बात है। तो ये स्मृति बाबा दिला रहा है कि बच्चे आप भूल गए हो कि आप सर्वोच्च थे, संपूर्ण पवित्र थे, बाबा तुम्हें फिर से ठिक्कर से बर्तन बना रहे, वो भी सोने का। तो बाबा की सर्विस करके हम क्या से क्या बनते हैं। तो हमारी स्मृति को जागृत करेंगे, पूरा खेल स्मृति का है। जैसे मुरली पढ़ते जाते हैं हमारी स्मृति शक्तिशाली बनते जाती है, और जितनी जिसकी स्मृति शक्तिशाली उसकी स्थिति शक्तिशाली है। स्मृति और स्थिति का कनेक्शन है, और मुरली से हमारी सर्वश्रेष्ठ स्मृति जागृत होते हैं। तो बाबा ने कहा आफतें आएंगी अगर पवित्रता को धारण नहीं करेंगे, क्योंकि माया परेशान करेंगी। बाबा ने आज फिर से बांदेलियों को याद किया है, और कल जो बात हमने देखी कि तड़पाने वाली याद चाहिए, बांदेलियों की याद तड़पाने वाली है। आज बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, ऐसी बच्चियां भी है जो बंधन में है, तड़पती है बाबा को मिलने के लिए, लेकिन मिल नहीं सकते। तो हमारी भी याद ऐसे तड़पाने वाली याद चाहिए। थोड़ा हम धारणाओं के ऊपर आएंगे। बाबा ने फिर से कहा आज स्लोगन, सच्ची दिल पर साहेब राजी, अगर अंदर शैतानी ख्यालात हो गए तो विघ्न डालते रहेंगे और फिर कड़ी सजा के भागी बनेंगे। ट्रेटर्स को हमेशा कड़ी सजाएं मिलती है, क्योंकि ये सुप्रीम जज भी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे, आज बाबा ने कहा कि कलंक लगते हैं, कलंकधारी है, तो श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगाए हैं, इसने कपड़े चुराए और कंस जरासंधी को मारा और कृष्ण का मुंह भी काला कर दिया है। तो बाबा ने कहा ये सब झूठ है। एक्चुअली कपड़े चुराने की बात बहुत इंटरेस्टिंग है। ये शरीर को वस्त्र कहते हैं, शरीर को वस्त्र है, वांसांसी जीर्णानी। हमने भगवद गीता के दूसरे अध्याय में देखा वांसांसी जीर्णानी यथा विहाय। तो शरीर भी एक वस्त्र है, और शिव बाबा ने हमारे कपड़े चुराए, इसका मतलब ये है कि शिव बाबा ने हमको देह अभिमान रूपी वस्त्रों से मुक्त कर दिया। तो ये है कपड़े चुराना। और कंस जरासंधी माना हमारे अंदर के जो असुर थे उनको बाबा की याद से वो भस्म हो गए। तो ये वास्तविक अर्थ है। और इसमें और एक अर्थ मैं कहना चाहूँगा कि कुछ आत्माओं के ऊपर कलंक लगते हैं। अभी ब्रह्मा बाबा की बात ले लो, चरित्र इतना अच्छा है, लोग दादा को कितना सम्मान से देखते थे, लेकिन जैसे ही शिव बाबा ने प्रवेश किया उनके ऊपर कितने कलंक लगे, लेकिन बाबा बिल्कुल चुप रहे। ऐसे ही हम बच्चों को भी अगर हमारे ऊपर कोई कलंक लगाते हैं तो दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नियम क्या है कि अगर किसी का अच्छा हो रहा है और जिनको सहन नहीं होता है वो उनके बारे में निगेटिव बातें सुनाते। मैंने इसकी वजह से सेंटर घर उध्वस्त होते देखे हैं, केवल सुनी सुनाई बातें संशय वृत्ति के कारण वो आत्मा भी नीचे चली गई, और जो इसके निमित्त बने हैं घर घर में जाके बदनामी की वो भी चले गए। तो हमको डरना नहीं है, क्योंकि सत्य आज नहीं तो कल दुनिया के सामने अवश्य आता है। तो बिल्कुल कलंक से डरना नहीं है। कोई अगर हमारी निगेटिव
निगेटिव बातें करके दूसरों के बुद्धि को भ्रष्ट करता है, जिसको बाबा ने धूतीपना शब्द इस्तेमाल किया। ऐसे होते हैं कुछ बाबा के बच्चे जो अनजानेपन में बॉडी कॉन्शियसनेस में ये सब काम करते होते हैं। तो ऐसे लोगों से अपने आप को बहुत संभालना है। बाबा ने इसके ऊपर डबल अंडरलाइन किया है कई सारी मुरलियों में कि बच्चे तुम्हें सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो। और ऐसी उल्टी सुलटी बातें जो सुनाते हैं वो आपके दुश्मन समझने चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी हमारा दिल साफ होगा और तभी हम बाबा के दिल पर चढ़ सकेंगे। तो बाबा ने आज विशेष कहा है कि जो मददगार बनते हैं बाबा के बच्चे, किसको बाबा के प्यार का अनुभव होता है, तो जैसे बाप सबसे न्यारा और प्यारा है तो न्यारापन ही प्यारा बना देता है, ऐसे ही जितने जितने हम देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारा बनेंगे। तो बाबा ने बहुत बार कहा है कि बच्चे बीच बीच में समय निकाल कर शरीर के भान से न्यारे होने का अभ्यास करना है, बीच बीच में। स्पेशली बाबा ने कहा जब आप बहुत बिजी हो तब 1 मिनट के लिए डिटैच हो जा। इसके ऊपर विधेयक भी पारित करने की कोशिश की है कुछ संसदों में, कुछ विधानसभाओं में। उसको कहा गया है कि पावर टू डिस्कनेक्ट और राइट टू डिस्कनेक्ट, ये हमारा अधिकार है कि हम डिस्कनेक्ट करें अपने आप को। कई सारी कंपनियों ने ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए एम्प्लॉयज़ को लैपटॉप दिया है, मोबाइल दिया है, सब डिवाइसेस दिया, आईपैड, ताकि वो घर पे जाने के बाद भी काम करता रहे। तब ये विधेयक पारित करने का प्रस्ताव आया कि राइट टू डिस्कनेक्ट, मैं हर समय मशीन के साथ नहीं रहूँगा क्योंकि इसके वजह से हमारे रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, तो न्यारा हो जाना चाहिए। वंडर लगता है बाबा के बच्चे भी कई सारे डिवाइस के वश हो गए, जिसको हम मोबाइल एडिक्शन कहते हैं या डिजिटल एडिक्शन कहते हैं। तो डिजिटल डिटॉक्स के लिए बीच बीच में अभ्यास करना चाहिए कि न्यारे हो जाए, डिटैच हो जाए। ऐसी न्यारी अवस्था में रहकर कर्म करने से कर्म भी अच्छा होगा और सर्व के और बाप के प्यारे भी बन जाएंगे। तो परमात्मा प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है। और यह हम अनुभव से कहते हैं, जितना आपको ये अनुभव होने लगेगा आपको बहुत सुखद अनुभव होगा, बहुत सुखद अनुभव होगा और शुभ भावना का स्टॉक फुल हो जाएगा। हमारा दिल बाप के प्यार से भरपूर हो जाएगा, तृप्त तो हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली जब हमारे सामने परिस्थिति आएगी तो व्यर्थ चलने को बजाय समर्थ संकल्प चलेंगे और व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात मुझे लगी। यही एक अभ्यास बाबा ने इसको बढ़ाने को कहा है। विशेष जो बड़ी बहनें हैं, जो बड़ी सेवा के निमित्त है, जिनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, तो बाबा ने इस भट्टी को कहा फुल स्टॉप की भट्टी, कि फुल स्टॉप की भट्टी करो। बाबा ने कहा कि जब आप बहुत बिजी हो, बहुत सारे संकल्प चल रहे हैं, उस समय स्टॉप करो, क्योंकि जो जितनी बड़ी जिम्मेवारी होता है उसको बहुत सोचना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा सोचना पड़ता है, बहुत संकल्प चलते हैं। एक मुरली में मुझे याद है कि बाबा ने कहा था बड़ी दादी को भी सेवा के बहुत संकल्प चलते हैं। तो बाबा ने ये सब निमित्त आत्माओं के लिए कहा जिनको सेवा के संकल्प चलते हैं, कि उसको भी स्टॉप करना आना चाहिए। तो फुल स्टॉप की भट्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो पूरा चेक करना चाहिए आज के पूरे दिन में। क्या चेक करना चाहिए कि क्या मैं अपने ऊपर ब्लेसिंग करता हूँ, क्योंकि परमात्मा ने तो सबके ऊपर ब्लेसिंग कर दी है, पर क्या उस ब्लेसिंग को मैं अपना बनाता हूँ। जिसको बाबा ने अलग-अलग तरीके से कहा कि जो बाप का खजाना सो अपना खजाना, जो बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, जैसा बाप वैसा बच्चा। ये बाबा ने अलग-अलग भाव से अलग-अलग मुरलियों में कहा हुआ है। तो चेक करना चाहिए
कि क्या मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि भगवान की नज़र मेरे ऊपर हमेशा है, या वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। मेरा फेवरेट वाक्य है कि जिनकी नज़रों में शिव बाबा समाया हुआ है वही दुनिया को नज़र से निहाल कर सकते हैं। तो चेक करना चाहिए, क्या हम परमात्मा की नज़र से निहाल हुए, क्या परमात्मा हमारी नज़रों में समाया हुआ है, और क्या हम अपार खुशी में रहते हैं क्योंकि हमारा पिता हमारे लिए बहिष्ट सौगात में लेकर आया है। तो अपने ऊपर ब्लेसिंग करो, ब्लेसिंग मांगनी नहीं है, अपने ऊपर ही कृपा करनी है। अच्छा, ओम शांति।